जनता का भरपूर आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग यही जीत का आधार है। और मैंने भी 5 वर्ष तक लगातार जन सेवा की है। छिंदवाड़ा का विकास अद्भुत विकास हुआ, ऐतिहासिक विकास हुआ है, जिसे जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। भविष्य में भी जो छिंदवाड़ा की पुरानी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम भरपूर तरीके से निपटारा करेंगे और छिंदवाड़ा के विकास को और गति। ऐतिहासिक जीत कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मैंने अपने चुनाव प्रचार का जो व्यापक आधार पर काम किया तो मतदाताओं के सामने जाकर अपनी बात कही, उस बात को मतदाताओं ने माना और मेरी बात को मान के लिए जिस तरह से मतदान किया उन्होंने, उसके लिए अपार प्रसन्नता है। और मैं इस प्रसन्नता को क्षेत्र के मतदाताओं की सेवा करूँगा। जैसे आपके सामने है भिलोड़ा यूआईटी का विकास, तो कुछ समय में मुझे मिला काम करने का मौका। अब मानगढ़ विधानसभा में उसी तर्ज पर एक मानगढ़ विधानसभा को मॉडल की तरह विकसित करेंगे। आने वाले 5 साल में मानगढ़ विधानसभा एक मॉडल के रूप में दिखेगी। वहाँ पे जो रोजगार के साधन भी उपलब्ध रहेंगे और जो भी वहाँ पे आवश्यकता है, डिमांड है, वो पूरी करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो मेरे को समर्थन मिला और जन भावना और जनसेला उमड़ा, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और हम पूरे क्षेत्र में समग्र रूप को सबको साथ लेकर सबको संपूर्ण क्षेत्र का जो मूलभूत सुविधाएं वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जहाजपुर में जैसे कॉलेज, अस्पताल में डॉक्टर्स और औद्योगिक क्षेत्र में जाजपुर पिछड़ा हुआ है, तो हम प्रयास करेंगे कि जाजपुर में SC ST के बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब तबके के लोग हैं, इनको रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, औद्योगिक इकाई स्थापित कराएंगे और स्थानीय स्तर पे जो समस्याएं मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी इस इलेक्शन में मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करूँगा, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मत देकर असेंबली में भेजा। मैं 5 साल तक ये सेवा करूँगा। आने वाले समय में जो हमारे वादे हैं उन पर खरा उतरे, जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है, जिम्मेदारी को निभाने के लिए तमाम उन कामों को गाँव में बैठ के लोगों के साथ उन कामों को पूरा करने का विश्वास दिलाया, उसको हम पूरा करेंगे। वर्तमान सरकार की नीतियों की हार हुई है और वसुंधरा की हठधर्मिता की हार हुई है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए अब क्या विजन रहेगा, किस तरह की योजना है? सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र जहाँ मैंने विकास को छोड़ा था उसी स्थान पे है, कोई नया डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुआ है। इसलिए नए सिरे से जो योजनाएं मेरे बाकी बनी हुई है हमारे पास, चाहे पेयजल में हो, चाहे चिकित्सा विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे कॉम्पिटिटिव सेक्टर की हो, चाहे सिंचाई विभाग की हो, सारी योजनाओं को उन्हें सरकार बनती है, हमारी मंत्री है, उसमें रख करके मुख्यमंत्री जी से बात करके उन नीतियों और उन कार्यों को जो पीछे छूटे हुए हैं उनको प्राथमिकता से पूरा कराएं।